हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीएनसी कैट कैम। दोस्तों, आज के इस सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि रोटेट एंटिटी क्या होती है, यानी कि रोटेट जो कमांड है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, उसी के बारे में जानेंगे। चलो चलते हैं, स्केच एक मैं स्केच ड्रा करता हूँ। तब तक दोस्तों, आप चैनल को जो भी न्यू व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ज्योमेट्री। ठीक है, एक ये मैं ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ठीक है, और मैं एक जो है रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मान लो दोस्तों, ये चलते हैं हम यहाँ पे रोटेट रोटेट एंटिटी क्या, ये देखिए। रोटेट मतलब आप को नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि कोई भी कंपोनेंट हमें कितना मूव कराना है, रोटेट करना है किसी एक डिग्री के अनुसार। ये एक मूव हो, कहीं से कहीं भी मूव करा लो, इसमें क्या है एंगल के साथ एक पॉइंट के एक एक्सिस के थ्रू कितना हमें मूव करना, वो चीज़ है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे बोल रहा है बॉडी सेलेक्ट कर लो जो उनसे मूव करानी है। मान लीजिए मैं ये बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बॉडी सेलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है किसके अबाउट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं इसके अबाउट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, इसको या तो मैं वैल्यू मैनुअली डाल दूँ, ये देखो, तो ये वहाँ से ट्रैक हो गया, या मैं क्या कर सकता हूँ इसको वैल्यू मैनुअली भी यहाँ से भी कन्वर्ती कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, ये देखिए, ये पूरा मूव होता चला जा रहा है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका अलग करना, यानी कि सारे को एक साथ हमें इसे मूव करना, तो रोटेट, यानी सॉरी मूव कर रहा हूँ, रोटेट करना, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए सारों को। ये देखिए मैंने पूरे कर लिया है। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाए। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट दे रहा है, मान लीजिए मैं सेंटर पॉइंट ये दे देता हूँ। अब इसको मैं 180 डिग्री पे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा 180 पे रोटेट हो गया, यानी कि आप इससे कितने भी कर सकते हैं। आप इसको 270 पे करना, यहाँ से देखो बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से मूव करेंगे, बढ़ाएंगे, ये देखिए 200 डिग्री पे पहुँच गया, 210 पे मुझे पहुँचाना है, ये देखिए 210 पे आ गया। इस तरीके से ये रोटेट करता रहेगा। ये बहुत ही कमाल का टूल है, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका जब भी हम इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसे ट्यूटोरियल लगते हैं। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, पूरा A to Z कोर्स सिखाऊंगा स्टेप बाई स्टेप। तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। थैंक यू, जय हिंद, बाय।